खरगोन जिले की सभी तहसील खरगोन, खरगोन नगर, कसावद, महेश्वर, बड़वाह, सनावद, गोगावा, भीकनगांव, झिरनिया, भगवानपुरा व सेगांव में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सभी इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें 9925046607। भावसार में क्षत्रिय समाज द्वारा पिछले करीब 404 वर्षों से चली आ रही खप्पर की परंपरा अंतर्गत बीती रात को महाअष्टमी पर माता अम्बे का खप्पर निकाला गया। माँ अम्बे प्रातः 4:30 बजे एक हाथ में जलता हुआ खप्पर और दूसरे हाथ में तलवार लेकर निकली और भक्तों को दर्शन दिए। खप्पर आयोजन समिति के डॉक्टर मोहन भावसार ने बताया कि 404 वर्षों से खप्पर निकालने की परंपरा चली आ रही है, जिसका आज भी निर्वहन किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम झाड़ की विशेष पूजा अर्चना कर की गई। महाअष्टमी पर समाजजनों द्वारा गाई गई गरबियों पर पहले भगवान श्री गणेश निकले, इसके पश्चात माता अम्बे की सवारी निकाली गई। माँ अम्बे 45 मिनट तक गरबियों पर रमती रही। खप्पर कार्यक्रम में दायित्व निभाने वाले एक पीढ़ी के होते हैं। महाअष्टमी पर माँ अम्बे का स्वांग मनोज मधु भावसार व आयुष नील भावसार ने धारण किया। कार्यक्रम भावसार मोहल्ला स्थित श्री सिद्धदेवनाथ महादेव मंदिर प्रांगण में संपन्न हुआ। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। ये खप्पर जो है भावसार क्षत्रिय समाज खरगोन के द्वारा सिद्धनाथ महादेव मंदिर प्रांगण में 404 वर्ष से मनाया जा रहा है। इस वर्ष हमारा 404वां वर्ष है और ये हमारे पूर्वज हमें विरासत में दे गए हैं। इस खप्पर को हम अपने दिल और अंदर से मनाते हैं और नए नए बच्चों को जोड़ के उसी में उनका उत्साह बढ़ते चले जा रहे हैं। ये 404वां साल है। इसमें आज जो अष्टमी की रात गई उसमें माँ अम्बे का खप्पर निकला था, उसमें दो माताएं सवारी करके आती है, हाथ में खुली तलवार और खप्पर लेके निकलती है और एक घंटे तक वहाँ रमती है। गरबियाँ, निमाड़ी गरबियाँ हैं जो भावसर समाज की, उसके ऊपर माँ रमती है और सारा कार्यक्रम होता है। आज की रात जो नवमी की है उसमें माँ काली का खप्पर निकलेगा और उसमें सुबह सुबह जैसे हिरण्यकश्यप का वध हुआ था, सुबह ना रात थी ना दिन था, उस टाइम में सुबह सुबह नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप का वध करेंगे और फिर उसके बाद हम कल दशहरे के पर्व को मनाएंगे। ये भावसार क्षत्रिय समाज का बहुत पुराना परंपरा है, सनातन धर्म से जोड़ रहे हैं, नए बच्चों को जोड़ रहे हैं, इसी में हमारे मतलब वो वंशावली चलती है। इसमें जैसे मैं बनता था तो मेरा बेटा बनेगा, मेरा बेटे का बेटा बनेगा, इस टाइप से चल रही है। Subscribe now to most exciting channel ever.